Swami, Radha Swami, Radha Swami. आज बैसाखी का 2022 का पहला सत्संग है। दो साल इस प्रांगण में आपके दर्शन नहीं हो पाए मौज मालिक, आप दूर दूर से आए हैं। मैं महसूस करता हूँ, जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। तो आप आए हैं जिस मकसद के लिए आए हैं मेरे सतगुरु, आपकी वो मकसद और आपकी वो कामना पूरी करें, ये मेरी पहली आपके साथ शुभकामना है। इस स्थान को इस समय सत्संग कहते हैं। जो इस समय आप बैठे हैं, आप सत्संग में आए हैं। आप किसी गाने बजाने में नहीं आए, आप किसी कथा को सुनने के नहीं आए, आप किसी सत्य बात को सुनने के लिए। सत्य क्या है उसके साथ अगर आपका संग हो गया तो सत्संग है, अगर उसके साथ साथ आपका संग नहीं हुआ तो आप सत्संग नहीं होना। बात बड़ी पकड़ी आपने। मैं जो कहूँगा वो दर्द दिल से कह रहा हूँ और मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। फिक्र फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पी, फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पी, जिसने खाया फिक्र को ताका नाम फुकी। बात को पकड़ो, तुम लोग किस चीज के मारे हुए हैं? दुनिया जे यात्राएं तीर्थ स्थान जे यज्ञ पूजा क्या कर रही है? फिक्र को दूर करने के लिए है ना, और क्या है? कोई कहीं भागा हुआ, कोई कहीं भागा हुआ, कोई कहीं भागा हुआ है। फिर कहते हैं फिक्र करेंदे बावले। फिक्र कौन करता? बावले जिन्हें समझ नहीं, जिन्हें विवेक नहीं, जिन्हें गुरु नहीं मिलिया, जिन्हें सत्संग नहीं मिलिया, जिन्हें समझ नहीं आई। फिक्र करेंदे बावले, जिक्र करेंदे साध। साध क्या करते हैं? जिक्र, बात करते हैं, समझाते हैं। क्या कहते हैं फिर वो? उठ फरीदा, उठ फरीदा, जिक्र कर। फिक्र करेगा आप, पकड़ा बात को? उठ फरीदा, जिक्र कर, बता दुनिया को, बता क्या, बता असलियत क्या है। वो फिक्र करेगा आप, तेरा फिक्र वो अपने आप करेगा। बात समझ गए आप? अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। बैसाखी है, बेसाखी। बेसाखी का मतलब क्या है? साखी होता है साख, सहारा, सहारा, अटैचमेंट। और यह शब्द है बेसाखी। हमारी साख टूट गई, साख व्यापार चलता है ना, उसमें पैसा कम हो जाएगा तो साख टूट गई, ऐसे होता है। हमारी साख टूटी हुई है उससे। हमारा जो लगन थी, हमारी जो अटैचमेंट थी, वो उससे टूटी हुई है। और हम कहाँ फंसे? दो चीजों में फंस गए। वो दो चीजें क्या है? एक है दुनिया, एक है दुनिया, और दूसरा है संसार। बाबा फिर बोल रहा है, एक है दुनिया, दूसरा है संसार। दुनिया उस मालिक ने बनाई है। ये दुनिया बाहर की रचना, साधो रचना राम बनाई। वो कौन सा राम? वो कौन सा राम? दुनिया यही धोखा खा गई। वो कौन सा राम है? एक राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। वो जो सबसे न्यारा है,
हमारा उससे साथ टूटी हुई है, हम उससे अलग हो गए। और यहाँ किया क्या, एक बाहर की दुनिया में फंस गए और अपने अंदर के संसार की कोशिश नहीं की। वो क्या है, वो संसार क्या है? ऐ इंसान, तेरे मन के अंदर जो विचार, जो ख्याल, जो कल्पनाएं, जो वासनाएं, जो इच्छाएं पैदा होती हैं, वो तेरा अपना संसार है। क्या कहा मैंने? तो तुम दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। अगर दुनिया में ठीक होना होता तो यहां मेरे देश में कितने ऋषि आए, कितने सतपुरुष आए, गुरु नानक साहब से लेकर 10 पातशाहियां इस पंजाब में आए, बड़े बड़े संत ऋषि यूपी में पैदा हुए और बड़े बड़े महात्मा दूसरे देशों में पैदा हुए, दूसरे हर प्रांत में पैदा हुए। क्या दुनिया में फर्क आया? नहीं आया। जो मैं देखता हूं, जब मैं बचपन में था तो दुनिया का रहन सहन और था, गांव में बड़ा प्यार होता था, सभी बुजुर्ग बैठकर बात करते थे, ब्याह शादियों में एक दूसरे की मदद करते थे, घरों से लड़की चलती थी अपने ससुराल के लिए। आज क्या है, पड़ोसी का पड़ोसी से प्यार नहीं है, कोई कहीं नजर नहीं आती, हमारी संस्कृति संस्कृति की बात करते हैं। तो दुनिया जो बाहर की दुनिया बनती नहीं बल्कि बिगड़ रही है, मगर इस बिगड़ती हुई दुनिया में ऐ इंसान को अपना संसार बना सकता है। कैसे, कैसे? साध संगत में जाकर। कौन सी साध संगत, ये भी एक क्वेश्चन है। बहुत सी साध संगत तो बहुत बड़ी है, आप तो क्या, ये मेरे पास तो आप, मैं कल या परसों में कह रहा था इतवार के दिन कि मेरे मंदिर में इतवार को इतने लोग नहीं होते जितने गोलगप्पा खाने वालों के पास खड़े होते हैं। गोलगप्पे वाले की दुकान पर जाओ, मिठाई की दुकान पर जाओ, भीड़ लगी होती है। हमारे पास तो कोई आएगा, भाग्यशाली आएगा, भाग्यशाली आएगा, दूसरा नहीं आ सकता, आ नहीं सकता, ठीक ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो? तो अपने संसार को कैसे ठीक करना है वो मैं आपके झोली में डालना चाहता हूं। कैसे डलेगा वो, मुझे दुनिया का पता नहीं। दुनिया अपने संसार को, बड़े बड़े महापुरुषों के शिष्य बैठे होंगे, बड़े बड़े संत बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, वहां के लोगों का संसार कितना बना कितना नहीं बना मुझे नहीं पता। मेरा संसार कैसे बना मैं तो उसकी बात करूंगा। उठ फरीदा, जिक्र कर। किसका? अपना, अपना जिक्र कर, फिर वो फिक्र करेगा। अपना क्या, अपना क्यों, किस बात की मैं अपना, अपना किसको कहता हूं? पहली बात ये है, हु एम आई, मैं कौन हूं, कौन सा अपनापन, किस किस अपनेपन की मैं बात करूं? मैं उस अपनेपन की बात करता हूं जिसकी खोज मुझे 6 साल में हुई थी, 6 साल की उम्र में। वो क्या थी वो मैं अपनी जिंदगी बताने लगा हूं, फिर मैं आपको पूरे वहां पर पहुंचाऊंगा जहां तुम्हें पता लगेगा तुम कौन हो। मेरा गांव, मेरा जो मेरे घर का मकान था, मेरे माता पिता ने बनाया, वो ऐसी सड़क के किनारे था जहां से गांव के मरे हुए लोगों को शमशान ले जाया जाता। बात को मेरी को गौर से पकड़ना। तो मैं बच्चा था तो मैंने देखा कि 4 आदमी एक आदमी को कंधों पर उठाया ले जा रहे हैं पहली दफा जिंदगी में, और औरतें रो रही हैं, पीट रही हैं अपने शरीर को, और बड़ी दर्दनाक हालत थी। तो मैं देख रहा हूं, और फिर उन्होंने उस इंसान के शरीर को लकड़ियों में रखा, वो भी मैंने देखा। फिर उसने लकड़ियों को ढक दिया और फिर उसके तरफ तक पानी रखा फेरा और फिर आग लगा दी। जब आग लगाई तो मैं डर गया, वो आदमी को आग लगा दी। तो मैं अपनी माँ के पास गया, मेरी माँ घर में थी,
मैंने पूछा मेरी बात, अरे भाई फिल्म वालों मेरे को डिस्टर्ब ना करो, मैं आपके घूमने से डिस्टर्ब हो जाता हूं, थोड़ा कर लो फिर बैठ जाओ। मैंने माँ को पूछा, माँ ये क्या हुआ? कहती बच्चा वो उसका नाम लिया, वो मर गया। मर गया? मर के कहाँ गया? वो भगवान के पास चला गया। वो क्यों मरा? बेटा वो बूढ़ा हो गया था। मैंने कहा माँ हर आदमी बूढ़ा होकर मर जाता है। हाँ बच्चा सबने मर जाना है। तो मैंने माँ को ऐसे पकड़ा, बच्चा था ना, माँ तू भी मर जाएगी, तू भी तो बूढ़ी हो रही है। उन्होंने मनु हो जुटी पाली, नहीं बच्चा मैं तो हजे बहुत कम करने। फिर मैंने कहा तो मैं भी तो बूढ़ा होऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। फिर माँ ने एक बात मुझे कही, बच्चा इस गल का जवाब मैनू नहीं आता, एक कोई गुरु दस सकता। उन्होंने शब्द है, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। इस गल का जवाब तेनू गुरु देंगे कि परमात्मा कित्थे आ, मर के आदमी कित्थे जाता। बेटा मैनू नहीं पता, मैनू नहीं आता, मैं नहीं पढ़ी लिखी नहीं है। तो मैं रात को सौ गए सारे, तो वो सारा सीन मेरे सामने आ गया और मैं डर के फिर रोने लग गया। धा मारी मैंने, बहुत रोया। मेरी माँ दौड़ी आई, बच्चा क्या तेरे पेट से दर्द होती है? मैं नहीं, तेरा सिर दुखता? नहीं। फिर तू क्यों रोना? वो मैं गुरु किथे मिलूगा जेड़ा मैनू ये गल दसू? मेरे सिर से हाथ रखिया और मैंने उठ के जफ्फी पा ली। कहना बच्चिया, कहते मेरी माँ कहती बच्चा तेन गुरु जरूर मिलूगा। चलो बात आई, चलता रहा। तो मैंने गुरु के लिए ना जाने कितना रोना कि गुरु मिले। और एक बार तो मैंने रोटी ही छोड़ दी, खाना छोड़ दिया कि जब तक गुरु नहीं मिलेगा मैं रोटी नहीं खाऊंगा। एक दिन, दो दिन, चार दिन, छह दिन, आठ दिन हो गए। माँ मेरे पिताजी घर नहीं थे, वो तो हुशियारपुर में कामयाब करते थे, तो वो बहुत माँ तो माँ होती है ना, माँ का क्या कहना। माँ का शरीर है जो दिया हुआ, उसका हिस्सा हूँ। तो वो गुरुद्वारे गए, मेरे गांव में गुरुद्वारा, वहाँ संत बड़े अच्छे थे, कर्मदास जी, छेख पूछे। उनको जाके कहा महाराज मेरा पाड़ू कहने पढ़ने वाले हूँ, पाड़ू है ना, रोटी नहीं खाता, तो तुसी चलो। कहते अच्छा बेटा चल, मैं चलता। वो आके मैनू सद्या, मंजे ते बिठा लिया, तो मेरे नाल बह गए जिदा छोटे लाल जी बैठे, और मेरे कंधे ते हाथ रखे। कहते बच्चा तू रोटी क्यों नहीं खाता? मैं कहा बाबा जी मैं नहीं खानी रोटी जब तक मैं गुरु नहीं मिलता। तो उन्होंने पंजाबी च एक लाइन कही, मैंने किताब लिखी अपनी जीवनी, जहाँ मिल जाएगी आपको ले लेना, अन्न छोड़ करे पखंड। पंजाबी समझ, भोजन छोड़ा तो पखंड है, दिखावा है। अन्न छोड़ करे पखंड, ना वो सुहागन ना वो रन, ना वो ब्याया है ना वो छदा, बस तेन कुछ नहीं मिलना। तो मैंने कहा बाबा जी फिर? कहते तेन गुरु जरूर मिलूगा बेटा, ऐसी डिमांड दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मांगता हो और स्वार्थ रहते होकर मांगता, उसको जरूर मिल जाता। चलो बात चलती रही। मैं दादा के दरबार में कैसे आया? फिर मुझे क्या मिला? परमदयाल जी महाराज के श्री चरणों में आने से क्या मिला? क्या मिलता है गुरु के पास जाने से? क्या मिलता है सतपुरुष के पास मिलने बैठने से? वो थोड़ा सा आपको मैं जिक्र करूंगा, लेकिन कैसे आया वो बता देता हूँ। तो मैं जब 12वीं क्लास में हुआ तो मेरे घर में कोई मेहमान आया, तो मेहमान ने मेरे पिता, उस वक्त वहाँ थे माता जी भी, वो उनको मिलने आया था। उन्हें पूछा कि ये बच्चा क्या करता है, मेरा पूछा।
कहते ये पढ़ता है कहाँ, होशियारपुर कॉलेज में। कहते इतने दूर से जाता है, यहाँ से मेरा गांव 12 किलोमीटर है, साइकिल पर जाता है तो ये थक नहीं जाता होगा, फिर आता होगा फिर दूसरे। तो मेरी दुकान होशियारपुर में है, मेरी दुकान के ऊपर 2 कमरे हैं, ये बच्चे को मेरे पास भेज दो, कोई बिजली का खर्च नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, नीचे नलका लगा हुआ है, पानी वहाँ से मिल जाएगा, रोटी उसी पे भेजा कर रहे हैं। मेरी बात समझे, मैं बड़ा खुश होया, चलो मैं तो बस आप अपना कट्ठा किया, किताबा कट्ठिया कीतियाँ, छोटा जो बिस्तरा लिया के उसके कमरे चला, उसके कमरे में लगा दिया, तड़के उठना नलके से नहाना, ये उसके मगर तो नहीं था होशियारपुर वाला, यहाँ पर बाग था उसका अमरूदों का, उधर चल जाना सुबह उठकर कच्चे पेशाब करके आके नहा लेना फिर अपने कमरे। एक दिन इतवार को, अब मेरी बात को मैं अपनी जीवनी बता रहा हूँ, इतवार के दिन जो मेरा कमरा जो था वो राइट में था, इधर एक कमरा और था। इतवार के दिन सुबह सुबह लोग और औरतें ऊपर आ रही हैं, उसी सीढ़ी से उसी पौड़ी से ऊपर आ रही हैं, और वो उनका दरवाज़ा खुला है, वो अंदर जाते हैं और बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मुझे एक शब्द सुनाई दिया कि गा रहा है, जैसे ये बेटे ने गाया। मैंने कहा यहाँ तो कोई बात है भाई, मैंने भी दरवाज़ा बंद किया और मैं भी वहाँ चला गया। तो वहाँ 15-20 बहनें बैठी थी, कुछ बुजुर्ग बैठे थे, और सामने एक बुजुर्ग आदमी ऊपर बैठा था और एक नीचे बैठा शब्द पढ़ रहा था। तो जब मैं वहाँ गया तो बुजुर्ग यहाँ एक आदमी बैठा था, उसने कहा बेटा एक टोपी सिर पर रख ला, उस वक्त टोपी लेते थे, टोपी मैंने भी सिर पर रख ली और मैं आगे जाकर बैठ गया। उन्होंने गुरु की प्रशंसा की कि गुरु के बगैर बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो लोक गुरु की शरणाई, ऐसे ऐसे उन्होंने शब्द गुरुवाणी के भी गाए और स्वामी जी महाराज की वाणी भी गाई। वो पहली दफा मैं सुनी। जब वो सत्संग खत्म हो गया तो मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा बाबा जी मैं थोड़ा कुछ सवाल कर सकता, मेरे कोई सवाल है। वो कहते बेटा सानू सवालों का जवाब देने का आज्ञा नहीं है। तो मैंने कहा फिर मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, मैं चाहता हूँ मुझे सवालों का जवाब मिले। कहते वो गुरु दे सकता है। बात को पकड़ते जाना, मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ चलो। वो गुरु कहाँ मिलेगा, आप जलंधर गए? मैं कह मैंने नहीं देखा। कहते जलंधर से गाड़ी, यहाँ होशियारपुर से गाड़ी चलती है जलंधर, जलंधर से करतारपुर, करतारपुर से आगे एक ब्यास का स्टेशन आता है, तो वहाँ से हमारे गुरु का जो स्थान है वो 2 किलोमीटर पर है। बेटा गुरु वहाँ मिले। मैं बल्ले बल्ले, मैं बड़ा खुश होया, रास्ता तो मिल गया, गुरु मिल जाएगा। तो वो जो दुकानदार था जिसके दुकान पर मैं रहता था, वो आया, मैं क्या दौलत राम जी तुसी ब्यास देखिया? कहने बेटा की गल है? मैं क्या मैनू पता लगा अज कल सवेरे इतवार सवेरे कि ब्यास गुरु रेंदे, तो मैं गुरु नू मिलना, मैनू बड़ा दिल करता गुरु नू मिलना। कहना गुरु ने मैं पता की क्या आंदा एतवार ना भंडारा है, तो तू तैयार हो जाए 7 बजे गड्डी चलेंगे, मैं तो जाना ही है। मैं बड़ा खुश होया, एतवार आया, हमने गड्डी पकड़ी और हम ब्यास के डेरे वाले बुरा ना मन्यो। मैं गुरु की बुराई नहीं कर रहा, मैं गुरु की महानता बताने जा रहा हूँ। तो वहाँ बड़ा अच्छा एक पुरुष बैठा, बड़ी लगन से बड़ी तरन्नम से शब्द गा रहा है। तो मैं तो जैसे आप आगे आगे होके बैठे ना, मैं ओ आगे से आगे बैठ गया, मैंने देखे भाई मेरा दौलत राम कहाँ बैठा नहीं। तो सत्संग थोड़ी देर के बाद आ हजूर महाराज हरचरण सिंह जी आए, सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी, सफेद पगड़ी और चद्दर ऐसे ओढ़ी हुई। वो मैं तो देख के गद गद हो गया, तो मैं क्या दिल भर के गल कर लैनी मेरे नाल,
मैं कोई गल छड़नी नहीं, मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाने होंगे ना खुशी। उन्हें सत्संग किया, सत्संग एक घंटा चला तो मेरे अंदर जो सवालों की जड़ी लगी हुई थी ना वो और 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 बढ़ती गई और बढ़ती गई। ये भी पूछूंगा, ये भी पूछूंगा, ये भी पूछूंगा। हुजूर नीचे से उठकर कुर्सी पर बैठ गए और फुलियां पता सिलियां बोरियां आ गई हैं। उसे चार आदमी खड़े हो गए। संगत रुकिया लाइना च लग जाओ, प्रसाद ले लो, दर्शन कर लो। हूँ मैं तो दर्शन नहीं सी करन गया तो मैं जेड़े मेरे अगे भाई खड़ा उन्हें क्या भाई जी मैं महाराज जी ने गल करनी है। उन मेरी वाल ऐसा घूर के देखा, घूर के जाने गुस्से ना लगी छोकरा बाबे गुरु ने इनकी गल करनी देखना मेरे पिछे था और भी देर और काका अगे चल मेरे की बड़ी गल इन्हों चाहिए सी मैनू कह के कोई नहीं बच्चा आ जा तेन गल अच्छी करा दें ठीक है। मेरा दर्द समझ रहे हो बड़े भाई साहब, ये मेरा दर्द है। तो मैं वो फुलिया पतासे जिते देंदे सी ना मैं फुलिया पतासे वाल ना देखा, मैं गुरु जी वाल देखा भी महाराज मैं कृपा ला लें बच्चा आ जा। मैं काबिल ही नहीं था, मैं अनफिट था। वो फुटिए पतासे मैंने फड़ान मैं क्या लाइन इस बुले पतासे में निकल गए लाइन चो निकल गया और पूछे अपने इतने कि रोटी मिलती है भुख लगी सवेर का भुख लगी बच्चा 18 साल का तो उसे गया के दो रोटियां खादिया। मैं नहीं पूछा दौलत राम कितने है तो मैं नहीं पूछा मेरा साथी कितने है। ज्यों तुरिया आके बस फड़ी अपने कमरे च आके ता मार के रोया, मैं ता मार के रोया बाबा। मैं इन्ना निकम्मा, मैं इन्नी आस कर गया और मैनू उत्थे धक्के मिले। मैं तो गुरु नूं मिल गया सी, वो मेरे बल देखते रहे मैनू बुलाया क्यों नहीं। ओ मेरे सुनने वालों मैं बहुत रोया अपने कमरे में और 2 घंटे के बाद आ गए वही सज्जन मेरे दौलत राम जी। ओ काका मैं तेनू उत्थे टोल टोल के थक गया यार, मैं तो चिंता च पै गया तू कित्थे चला गया। मैं क्या दौलत राम ओ मेरा दिल ही टुट गया यार, मैं गुरु दे कोल गया सी बड़ी आस लेकर उन्हें मैनू बोलिया ही नहीं कुछ नहीं। सुनना सुनना उन्हें मैनू बिठा लिया दौलत राम ने और मेरे मोढ़े ते हथ रखिया कहिंदा काका तेरी भुख बहुत वड्डी आ। ते उहदे शब्द तेरी भुख बहुत वड्डी है और तेरी भुख नूं पूरा इत्थे इक बाबा जी सत्संग दिंदे वो पूरा करनगे, होर नहीं कर सकदा कोई भी। मैं कहा दौलत राम वो बाबे कोल मैनूं लै चल। कहिंदा उहनां दा डेरा कोई नहीं, वह महीने का एक सत्संग दिते हैं और अपने प्रेमी इतने मास्टर मोहन लाल जी है उन्होंने घर आते हैं और 8 बजे सत्संग शुरू करते हैं, 1.5 घंटा बचन देंगे और अपने घर वापस चले जाते। मैं क्या मेरी बेनती मैनू लै चल उठे। कहिंदा तेरे भाग बड़े चंगे, आंदा जेठा ऐतवार मैं आ जाऊँगा तू तैयार हो जा। लै मैं तो 4 बजे उठ के नहा के बह गया तैयार हो गया। वो 7:30 हूँ सुनना अगली गल कि गुरु मिलता है, गुरु तुम्हारा इंतजार करता है। अगर तुम्हारे अंदर आग है, आग कौन सी आग मिलने की आग कौन सी आग, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं अपने लिए। वो क्या आग, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्यों आया हूं। मैं तो गाया करता था मैं कौन हूं और क्या हूं इतना मुझे बता दो, भटका हूं जिसमें राह से वो रास्ता बता दो, ये मैं कहा करता था। तो चल पड़े दौलत राम अगे अगे, मैंने तो गलियां का पता ही नहीं सी।
वो अगे अगे मैं पीछे पीछे। तो कणक मंडी तो अंदर गए, फिर एक महला आया, फिर अगे अगे गली एक सीधी जाती सी, एक ऐ मुड़ती सी ऐ खब्बे। तो जिसने वो गली आई तो मैनू नहीं पता ये की होया, मैं दौलत राम के पहले पिछे तुरिया सी, मैं घूम के वो अगे हो गया उस गली च। फिर क्या हुआ, सामने मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज बैठे हैं, उन्होंने हुक्का पी रहे थे, ऐसे मेरी तरफ देखा, उनकी दृष्टि मुझे पड़ी और मेरे शरीर का खून बदल गया, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मैं अंदर से आवाज आई, तू पहुंच गया जिथे पहुंचना सी। मेरी बात को पकड़ रहे हो? फिर क्या हुआ, लोग जाते थे मत्था टेकना, कोई वहां बैठ गया, कोई वहां बैठ गया, वो बंदा कहता मैं तो नहीं उठना, जाके उन्होंने चरणा च सिर रख दिता और उठे ही बह गया, वही बैठ गया। एक दो सेकंड के बाद महाराज जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा, फिर मैंने उनकी आंखों से आंख मिलाई। जब वो आंख मिल गई तो दाता ने सार वचन किताब रखी हुई है, परमदयाल जी बाबा फकीर जी महाराज ने अपने पास सार वचन की किताब रखी हुई है, उसमें निशान लगाया हुआ है, निशान लगाया हुआ है, वो खोलकर मेरे हाथ में पकड़ा दी, ले बच्चा ये शब्द पढ़, अब तुम खुद फैसला करो, अब तुम खुद फैसला करो कि मुझे उन्होंने कैसे बुलाया और वो किताब खोल कर रखी और मुझे कहा ये शब्द पढ़, वो शब्द क्या था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। बस मैं उनका और वो मेरे, ना वो मेरे से बिछड़ते हैं ना मैं उनसे बिछड़ता हूं। फिर क्या हुआ, चल पड़ी दुनिया मेरी बदलती गई, मेरा संसार बदलता गया, मेरे विचार बदलते गए, विचार बदलते बदलते गया। और एक बात ध्यान रखना, फिर एक दिन क्या हुआ, जब तीसरा चौथा जेठा एतवार आया तो महाराज जी फरमाते बेटा मुझे सत्संग के बाद मिलकर जाना, ये भी बड़ी खास बात है, मुझे सत्संग के बाद मिलकर जाना, क्योंकि महाराज सत्संग के बाद मास्टर मोहनलाल के कमरे में चल जाते थे, वो चाय पान करवाते थे, सत्संग खत्म हुआ संगत चली गई, मैं अंदर चला गया, दादाजी प्रणाम किया, अच्छा बेटा तू आ गया, मुझे पांव से ऊपर तक देखा, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने मुझे पांव से सिर तक देखा, सिर से फिर पांव तक देखा, फिर गौर से देखा, फिर कहते अच्छा बच्चा तू जा, मेरा उन्होंने एक्सरे कर लिया जो मैं समझता हूँ, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मैं उनको नहीं छोड़ा, ना मैं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ। अब मैं असली बात पर आता हूँ, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज जहाँ मेरी पोस्टिंग होती थी मेरे पास आ जाते थे, और मैं धर्मशाला में था, पहले तो मैं दूर था, मेरी पहली पोस्टिंग हरियाणा में हुई, गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल जो राजस्थान से लगता है, मैं 3 साल वहाँ रहा, तो फिर पंजाब के टुकड़े हो गए, तो बंदे को हिमाचल भेज देता, धर्मशाला ठंडी जगह, आप समझ गए। तो मेरे सतगुरु वहाँ 69 में भी आए और 1970 में भी आए, वो स्वर्ग था, वो समय का स्वर्ग था, स्वर्ग से भी मैं अगर ऊपर बात कह दूँ तो उसमें कोई शक नहीं, सत्संग दिन को भी चलता था, महाराज जी के पास दुनिया आती थी चली जाती थी, कोई लड़का मांगने आता था, कोई शादी के लिए आता था, कोई बाबा जी बीमारी लग गए, यही है दुनिया और क्या है, कौन और किस लिए आते, दुनिया के अपने प्रॉब्लम, दुनिया के अपने झगड़े, इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया की परवाह ना करो, फिक्र ना करो, जिक्र करो, जिक्र जो मैं कर रहा हूँ। तो शाम को 10 बजे तक महाराज जी भी चल जाते थे नींद में, मैं भी चल जाता था अपने कमरे में चला गया,
अब ध्यान से सुनना, कुछ 2 बजे होंगे मेरे कमरे में, मेरे उस वक्त 2 बच्चे थे, वाइफ थी, वही सारा सेवा करती थी अकेली, और 6-7 लोग महाराज के साथ होते थे। तो मैं, पिताजी इधर सोए हैं इस कमरे में, तो मैं हम दूसरे कमरे में सोए। 2 बजे के करीब मेरे सतगुरु आए, बाबा फकीर जी आए और मेरी जेब वहां पकड़ी, मेरे को कहते बच्चा चल आज तेरे को ब्रह्मांड की सैर करा दू, आज मैं तेरे को ब्रह्मांड की सैर करा दू, और मुझे ले चले। प्रकाश ही प्रकाश ही प्रकाश ही प्रकाश ही प्रकाश, आज आज ऊपर के मंडल देखे, मुझे और आगे जाना चाहते थे। तो मैंने कहा पिताजी मैं अब थक गया, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं थक गया पिताजी, ले चलो वापस। तो वापस छोड़ गए। जब चेतवान हुआ तो बंदिया कोई तू क्यों क्या कि मैं क्यों नहीं जा सकता, बैठ गया, जल्दी जल्दी नहाया, नहा के इंतजार कि कब महाराज जी उठे, और गोपाल उनको स्नान करवाता था, फिर हुक्का भर के देता था, फिर हजूर समाधि में चल जाते थे। तो जब मुझे लगा महाराज जी झाके 4-5 बजे की बात है, तो मैं तो जाके उनके श्री चरणों में सिर रख दिया। मैंने फिर महाराज जी से पूछा पिताजी आज मैं आगे क्यों नहीं गया, आपने मुझे 8 मंडल तो दिखा दिए, लेकिन मैं आगे क्यों नहीं गया पिताजी, आप तो मुझे सब कुछ दिखाना चाहते थे। पहली बात, अब गुरु और सतगुरु का सवाल पैदा हुआ, बच्चा मैं नहीं था, बात को ध्यान से सुनना, बच्चा मैं नहीं था, तेरा सतगुरु तुझे लेकर गया। इसका मतलब क्या हुआ, सतगुरु और है, गुरु और है, समझ गए बात को और पकड़ना। मैंने कहा पिताजी फिर मैं थक क्यों गए, आगे क्यों नहीं गया। कहते देख बेटा तेरे बच्चे छोटे छोटे, तेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं, सरकारी नौकरी है, ये दुनिया का जो तेरा कर्म है, कर्म कौन सा, प्रारब्ध कर्म जो भोगने के लिए तू आया है, भोगने के लिए आया हूं ना, वो जब तक नहीं पूरा होगा उसके बाद तुम्हें असलियत का पता लगेगा। मेरी बात सुनी, अब मैं आपको कबीर साहब का शब्द सुनाता हूं। कबीर साहब ने भी लिखा मेरे सतगुरु पकड़ी पा नहीं तो मैं बह जाता। कबीर साहब ने ये शब्द क्यों लिखा ये तो बहुत जाने, मैं शब्द को बार बार क्यों पढ़ता हूं या सुनाता हूं, क्योंकि ये मेरे साथ बीती है। सुन रहे हो, गुरु जब सतगुरु बांह फाड़ लेता है, और सुन लो छोटे लाल जी ने सतगुरु के बारे में कहा, मैं भी कहने जा रहा हूं, गुरु आपकी तरह शरीर धारण करके आपके सामने बैठता है, गुरु तुम्हें ज्ञान देता है, गुरु तुम्हारे अज्ञान को दूर करता है, गुरु तुम्हें विवेक देता है, गुरु तुम्हें समझ देता है, और उस विवेक समझ और अनुभव को प्राप्त करने के लिए वो अंदर का रास्ता बताता है चलना तुमने, बात समझे। तो वो अंदर चलते 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 तुम कहां पहुंचोगे, तुम अंदर मूर्ति देखोगे या अंदर दुनिया देखोगे या अंदर गुरु को देखोगे या अंदर कल्पनाएं करोगे या विचारों से खेत को, नहीं, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। आपके अंदर 2 चीजें हैं, आपके अंदर 2 चीजें हैं, उन 2 चीजों को देखने वाली 1/3 चीज और है। फिर सुनाता हूं,
सब बैठे हैं, हमारे सबके शरीर अलग अलग हैं, हैं? कोई मिलता है दूसरे से? क्योंकि जैसे जैसे वातावरण में हम पैदा हुए, जैसा जैसा हमारे माँ बाप माता ने खाना खाया, जैसा जैसा माता ने सुना, जैसा जैसा माता ने देखा, जैसे जैसे विचार थे, उनकी शक्ल हमारी बन गई, ठीक है। इसलिए हमारा रूप अकेले सबका एक नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, हम सब के मन अलग अलग हैं, किसी का मन एक दूसरे से नहीं मिलेगा, ना मिलता है ना मिलेगा। तुम्हारा मन और, पत्नी का मन और, बच्चों का मन और, पति का मन, तभी तो झगड़ा होता है कि मन नहीं मिलते। जब मन मिल जाएंगे तो झगड़ा किस बात का? ये ज्ञान है, हम मन को नहीं मनाते हैं, हम दुनिया में फंसे हुए हैं। तो दो चीजें हमारे में कभी एक होगी नहीं। तो संतू ने कहा, ये झगड़ा सारा दो चीजों का है, मन का और शरीर का, तो तुम इससे आगे जाओ। आगे क्या है? प्रकाश सब में है, आप सब में क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? प्रकाश रूप। मेरी बात समझे, हम आप गायत्री मंत्र पढ़ो, उसमें भी प्रकाश का जिक्र आता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी आता है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना रूप पहचान। इस्लाम धर्म में भी नूर 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 की बात करते हैं, नूर है, नूर है, आप नूर हैं। और ईसाई धर्म में भी तुम गिरजाघर में जाओ, वहाँ मोमबत्तियाँ जल रही हैं, वहाँ भी नूर है। ये यहूदी, वो भी नूर को मानते हैं। ये पारसी तो करते ही आग की पूजा है। तो बताओ, तुम सब में नूर ही नूर है, मगर तुम तो मन के मारे हुए हैं। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, किस बात का? तुम्हारा, तुम सब नूर रूप हो, कोई हमारे में फर्क नहीं। एक तुम्हारे में और मेरे में चौथी चीज है, एक आप सब में और मुझ में चौथी चीज है। वो चौथी चीज के कारण मैं बोल रहा हूं, उस चौथी चीज के कारण मैं हाथ हिला रहा हूं, उस चौथी चीज के साथ मैं अंदर के बारे में बिल्कुल बेसुध हूं। अंदर क्या हो रहा है? तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है कि नहीं? रोटी खाते हो, रोटी पच रही है, तुम पचाते हो, दिल की धड़कन तुम करते हो, क्या तुम्हारी नब्ज चलती तुम्हें पता है? बताओ, नहीं है ना? तो वो चीज जो चौथी है, वो सारा खेल खेल के नहीं है, उसको संतों ने सुप्त का नाम दिया। पकड़ा? तुम सब सुरत रूप हो। वो जो सुरत है, ये शरीर उस मालिक का अंश नहीं है। ये शरीर पांच तत्व का बना है, रुचियों की पोटली है, पानी की पोटली है, जमीन में जो पैदा हुआ वो हम खाते हैं, और जमीन में जो पैदा हुआ उसी से हम पैदा हुए हैं। मन क्या है? मन ख्यालों की पोटली है। तो मन से आगे चल जो कुछ भी नहीं। और मन बनता कैसे है? मन मन है क्या? जो तुम देखते हो वो तुम्हारा मन बन जाता है, जो तुम सुनते हो वो तुम्हारा मन बन जाता है, जो तुम खाते हो, स्वाद लेते हो, टेस्ट लेते हो, वो तुम्हारा मन बन जाता है, जो तुम किसी चीज को टच करते हो तुम्हारा मन बन जाता है। जिस चीज को तुमने देखा ही नहीं, तुम्हारा मन उसके बारे में कुछ नहीं जानता। बताओ, जानता है कुछ? जिसको तुमने देखा नहीं, या जिसने मुझे आज तक नहीं देखा, आज देखा, तो अब जब वो कभी जाएगा, हुशियारपुर का नाम आएगा, मैं सामने आ जाऊंगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो मन वो है जो तुम देखते हो। इसलिए संतों ने कहा, तीनों बंद लगा कर सुन अनहर्षण को, ओए अखा भी बंद कर, कान भी बंद कर, मुंह भी बंद कर, ताकि तेन तेरे मन का पता लग जाए तू कौन है। क्या कहा मैंने? तो वो जो सुरत है वो क्या है?
वहां क्या है, वहां प्रकाश और शब्द है, और उसको देखने वाला उसको सुनने वाला कौन है? तुम हो, तुम हो। और वो जो प्रकाश है वो उस सतगुरु के चरण है, तुम्हारे अंदर जो बैठा है वो है सतगुरु के चरण। ये नहीं, ये चरण नहीं है सतगुरु के, सतगुरु के चरण वो है जो तुम्हारे अंदर प्रकाश है। और सतगुरु कौन है? वो शब्द है जो तुम्हारे अंदर है। एक शब्द मैं अब बोल रहा हूं, एक शब्द अभी मैं और बोलूंगा, वो तुम्हें कहां पहुंचाएगा? गुरु सतगुरु के पास पहुंचाएगा, अगर तुम ध्यान से सुनते हो। क्या कहा मैंने? कुछ बात पकड़ रहे हो? सत्संग में आए हो, पैसा खर्च करके आए हो, यहां भी पैसा आपने बड़ा दिया है, मैं आपका तहे दिल से शुक्र करता हूं कि जिस खजाने से तुमने यहां पैसा जमा करवाया वो दिन दुगनी और बड़े 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 ताकि तुम और ज्यादा पैसा दो, ताकि हम भी तुम्हारी सेवा ज्यादा कर सकें। क्या कहा मैंने? तू अब मैं बताऊं कि जब मेरे सतगुरु ने वहां पकड़ ली तो फिर क्या हुआ, मेरा क्या बना? सुना बड़े प्रेम से, सुनना ध्यान से, मैं अपनी दुनिया बता रहा हूं। मेरे सत गुरु पकड़ी बा, मेरे सत गुरु पकड़ी बा, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सत गुरु पकड़ी बा, नहीं तो मैं बह जाता। बह जाने का मतलब क्या? भटक जाना, एक जगह ना ठहरना। भटकी हुई है दुनिया, कभी कहीं दौड़ी हुई है, कहीं कभी दौड़ी हुई, कहीं कहीं दौड़ी हुई, कहीं कहीं दौड़ी। मैं खंडन नहीं करता, क्योंकि जितनी जितनी जिनकी प्यास है उतनी उतना उनको पानी मिलना है। जिनके अंदर अग्नि नहीं है उसको मिलने की, वो कैसे मिलेगा? और ही मिलेगा। जिसको दुनिया चाहिए, जिसको दुनिया चाहिए, उनके लिए सुन लो, उनको एक रूप बना लेना चाहिए। एक, मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे सतगुरु का रूप बनाओ, मैं ये कहता हूं जहाँ तुम्हारा विश्वास बनता है उस रूप को मानो, उस रूप का अंदर ध्यान करो और उस रूप का एक नाम रख लो और उस नाम से उसको याद करो और उसका ध्यान करो, तुम्हारी दुनिया बनती जाएगी। लेकिन शर्त कहता हूँ एक, अगर तुम्हारा मन गंदा है, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, कामनाएं हैं, शत्रुता है, नफरत है, तो जब तुम ध्यान करने बैठोगे तुम्हारा मन बलवान हो जाएगा और वो नफरत भी बढ़ जाएगी। और कई नामधारियों को मैंने देखा है, वो इतना गुस्सा करते हैं कि घर में आग लगा देते हैं। बात समझ गए? इसलिए सबसे पहले अपने मन को साफ करो, और अगर नाम जपना है तो इस ख्याल से जपो, इस प्रार्थना से जपो कि मेरा मन साफ हो जाए। सिमरन करते समय सिमरन इसलिए करो कि ऐ मालिक कुल, मैं तेरी अंश हूँ, ये मन रूपी मेरी दुनिया जो है वे साफ हो जाए, तो वो भी साफ हो जाएगी। उसके बाद आगे चलो, तुम सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, उस ध्यान में बड़ी भारी ताकत है, वो तुम्हारी दुनिया को बदल देगा। अपने अपने भृंगी देखी, भृंगी पंजाब में तो पुराने घरों में भृंगी बड़ी होती थी, अब तो बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई ना, तो वो आती थी एक जान छोटा सा कीड़ा, वो मिट्टी लाती थी बाहर से, बड़ी सिलेक्टेड मिट्टी लाती थी, पता नहीं कहाँ से लाती थी, वो खिड़की के पीछे उसने घर बना लेना ऐसे ऐसे गोल गोल करके, फिर कहीं से कीड़ा लाना उठाकर, क्या होता था मुझे नहीं पता। तो वो कीड़ा उसमें रख देती थी, उस पर बैठ कर वे गुनगुनाती थी, कुछ गाती थी, और वो कीड़ा उसको ध्यान से सुनता था, सुनते रहना ये कहाँ से आवाज़ आ रहा है, किसका रूप है, ये कैसी होगी वो,
कौन है वो? वो खुद ही भृंगी बन जाता था और वो तोड़कर उसको बाहर निकल जाता था। बात समझे? तो तुम जिसका ध्यान करोगे क्या तुम वो नहीं बनोगे? तुम वही बनोगे। कब बनोगे? जब गुरु को अगर समझोगे वो वहां रहता है, वहां पैदा होता है, उसके इतने बच्चे हैं, वो ये करता है वो करता है, तुम वो ही बन जाओगे। अगर गुरु को तुमने कुछ और समझा, कबीर के कहने के मुताबिक गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंग, दुखी हुए संसार में ताको आगे जाकर फंद। गुरु किया है देखो सतगुरु जी नाना अंदर, कहे कबीर था दास को तीन तप भरमा। वो शारीरिक रूप से भी दुखी रहेंगे, मानसिक रूप से भी दुखी रहेंगे, आध्यात्मिक रूप से भी दुखी रहेंगे। तो गुरु क्या हुआ? गुरु है वाणी, वाणी गुरु, गुरु है वाणी। उस वाणी को पकड़ो जो गुरु कहता है, उस पर चलो, उसको जफी मत डालो। वो जफी डालने से कुछ नहीं मिलेगा, उनके पैर धो धो कर पीने से कुछ नहीं मिलेगा, उनके वचन को मानो। तुम्हारी दुनिया ना बदल जाए तो मैं बैठा हूं, तुम्हारी दुनिया बदलेगी। मैं फकीर के शेष से कह रहा हूं, मगर तुम साफ हो जाओ, इस बाहर की दुनिया के झगड़ों को छोड़ो। ये दुनिया नहीं तुम सुधार सकते, तुम अपने परिवार को सुधार दो, वही तुम्हारी दुनिया है। तुम्हारे घर में शांति है, सुख है, अच्छे बैठ के रोटी खाते हो, पत्नी पति का कहना मानती है और पति पत्नी का कहना मानती है, और बच्चे खुश हैं। कि जहाँ पति पत्नी लड़ेंगे तो वहाँ बच्चे भी तो लड़ेंगे ना। जिस घर में शांति है, प्रेम है, वो घर स्वर्ग है। किसी ने स्वर्ग देखा नहीं, कह दिया स्वर्ग है, ये है वो है, यही नरक है। कहाँ? जहाँ कला है, क्लेश है, झगड़े हैं, सुबह से शाम तक एक दूसरे के विरुद्ध सोचते हैं, वो क्या घर है? वो तो नरक है। क्या कहा मैंने? अपने घरों को स्वर्ग बना लो, अपने घरों में शांति ले आओ। अगर नहीं लाओगे तो मेरे दादा फरमाया करते थे, आज न पुत्ती कल न पुत्ती के सुख उठे तब न पुत्ती। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो अपने घर में आएगी, झगड़ा करते हो। मेरी समझ गए बात? कुदरत बड़ी सजा देती है। पढ़ो कर्म काटे कोयला किया, थोड़ा सा आगे आ जाओ, मेरे कान आगे आ जाओ, कुर्सी आगे कर लो। कबीर को पढ़ रहे हैं आप? ठीक है। हाँ, कर्म काट कोयला किया, ब्रह्म अग्नि पर जा, लोभ मोह पन जा रे आ, सतगुरु बड़े दया, लोभ मोह पन जा रे आ, सतगुरु बड़े दया। वो कहते हैं कर्म को खत्म कर दिया, मेरे कर्म को मिटा दिया। कैसे मिटाया? सुनना, कर्म की सीमा कहाँ तक है? जो तुम कर्म करते हो, जो कर्म करते हो, कर्म तीन तरह का है। कर्म तीन तरह का है। लोग बड़ा कहते हैं मन वचन कर्म से शुद्ध रहो, यही कहते हैं ना, लेकिन कभी किसी ने बताया कभी कि मन कैसे फिर शुद्ध करें और कर्म के वचन को कैसे करें और कर्म फिर कैसे करें? बताया? मेरी सुन लो, मैं बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? वो परमदयाल जी महाराज बोल रहे हैं, कर्म क्या है? कर्म है हमारा ख्याल। पहले ख्याल वो धीरे धीरे बार बार तुम कर्म सोचते रहोगे, ख्याल को सोचते रहोगे, वो कर्म बन जाएगा।
अब ख्याल कहाँ से पैदा होता है? ख्याल कहाँ से पैदा होता है? ख्याल सबसे पहले जो तुम कमाई करते हो, कमाई कमाई की कर्म, जो तुम कर्म करके पैसा कमाते हो, उसकी तुम रोटी खाते हो, उसकी रोटी खाते हो, जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। बात को पकड़ो, अगर हक हलाल की कमाई नहीं है, दूसरे का पेट काटा है आपने, दूसरे का हक मारा है आपने, और उसकी कमाई के साथ तुम बच्चों को भी पालते हो, खुद भी अपना पेट भरते हो, तुम्हारे बच्चे भी नेक नहीं बनेंगे और तुम भी कभी नेक नहीं बन सकते। तुम जिस भी मर्जी गुरु के जाके पाओ चाचू चाट लो, कुछ नहीं चेंज होगा। इसलिए संत मत में हक हलाल की कमाई कहा गया है। घाल खाए ऐसे लिखा ना, घाल सिमरन करे घाल खाए कुछ हतों, नानक कुछ हतों दे, मुझे याद नहीं आ रहा, ये गुरु नानक की वाणी है। घाल खाए कुछ हतों दे, नानक नाम पछाने से आ गया। घाल भी मेहनत, और जिम्मेदार से ज्यादा कोई मेहनत करने वाला दुनिया में है नहीं, वो है, मगर उसकी हमारे देश में कितनी कदर है तुम खुद जानते हो। सबसे पहले क्या, अपना कर्म ठीक करो जिससे तुम्हें रोटी कमा के खाते हो। और वो कर्म कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, जो भी काम तुम्हें मालिक ने दिया है, तुम्हें अलॉट किया है, ये मैं तुम्हें बता देता हूं। हम सब ऊंची ऊंची बातें आ रही, मैं क्या करूं, हमारे सबके हाथ में जब हम दुनिया में आए दो किताबें दो डायरियां दे दी हुई हैं विधि ने, विधि जानते हैं जो हमारे कर्म देखती है, जिन्होंने हमारे पिछले जन्म को देखा और हमें फिर भेज दिया, दो किताब दो डायरियां तुम्हें दे दी, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, मुझे भी दी हुई। एक डायरी में तुमने जो पिछले जन्म में कर्म किए वो लिखे हुए हैं, अच्छे जो किए हैं उसका फल तुम्हें यहाँ मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं उसका फल भी तुम्हें मिलेगा, जो काम तुम पिछले जन्म में करते करते छोड़ गए वो पूरा तुम्हें करना होगा। जब वो डायरी के सारे मसले हल हो जाएंगे तो उसको कांटा लग जाएगा, तुम्हारा जन्म नहीं होगा। सुना, उसको कहते हैं प्रारब्ध। कभी सबने लिखा कुछ करनी कुछ करूंगत कुछ पूर्व ले लेख, कुछ हम करते हैं कुछ कर रहे हैं कुछ पिछले भाग, वो हमारा जीवन है। कभी सब कहते हैं मैं तो तीनों मिटा दिए अब मैं चला। दादा दयाल जी महाराज, मेरे दादा गुरु महाराज फकीर महाराज जी के पास, मेरे सतगुरु दयाल जी महाराज के पास गिद्दड़ वहाँ गए आखिरी दिनों में, तो उनका बहुत प्रेम था। तो परमदयाल जी महाराज ने कहा दादा मुझे ऐसा लगता है अब आप अपना चोला छोड़ देंगे। महाराज जी ने कहा, तो दादा दयाल कहते हैं हाँ फकीर मेरे प्रारब्ध कर्म सब खत्म हो गए, नया तो मैं किया नहीं, तो अब मैं चला जाऊंगा, तेरे प्रारब्ध कर्म अब रहते हैं तू वो पूरे कर दे। मेरे पास समझ गए मैं जहाँ क्या करने आया हूँ। पिछड़ा था अपने गुरु से, मिल गया मेरा कर्म पूरा हो रहा है। वो जो किताब दूसरी है अगर उसमें तुमने हेरा फेरी की, फिर धोखा दिया, किसी को तंग किया, किसी को हक मारा, किसी के ऊपर मुकदमा किया, झूठ किया, प्रेम किया, चाहे तुम गुरु हो, गुरु को भी महाघंटा अगर गुरु हो तो वो तुम्हारी डायरी बढ़ती जाएगी, वो फिर वहां पेश हो जाएगी। चल वापस, किसी का हाथ काटा है तो तेरा भी हाथ कटेगा, किसी को दुख दिया है तुझे भी दुख मिलेगा, तूने माँ बाप को इतना कष्ट दिया है तेरे भी बच्चे ऐसे पैदा होंगे जो तुम्हें घर से धक्का मारकर बाहर निकालेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बात को पकड़ो, तुम अपना कर्म तुम मालिक को दोष क्यों देते हो,
बाथरूम में नक्की कर दे रब नहीं थोड़े काम से दखल दिंदा ना उसने लिख दिया गुरबानी में लिख दिया चंगे आईया बुरे आईया बाजे धर्म हजूर करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया कहे मशक्कत का पकड़ा तुम्हारा हिसाब किताब डायरी में लिखा जा रहा है। और ये सुनो बुजुर्गों की बात, अब तो बुजुर्ग बेचारों की सुनता है कोई नहीं, अब तो टीवी रह गया जहाँ सेल रह गया सेल फोन। मेरे बाबा जी 105 साल के होते मज मैं उनकी आंखें काला मोतिया से चली गई थी, आंखें थी नजर नहीं आती, तो मैं उनको बाहर ले जाता था सुबह, फिर उनको कुएं पर लाना नहाना। अब तो कुएं भी सूख गए पंजाब में, पानी है पानी के थे, तो मैं उनको नहलाना ने ला के फिर घर ले आना। तो मैंने उन्होंने कहना हमें नहा लेना कहना बिच बैठ। मैं हाँ बापू तेन बच्चा पता है साढ़े मेरे नाल तेरे नाल हर वेले दो आदमी रेंगे तो बुजुर्ग की बात मेरे नाल और तेरे नाल हर वेले दो आदमी रेंगे। मैं क्या बापू पिछले नजर तो आने नहीं कहते वो नजर नहीं आते जेड़े जेड़े तेरे जेड़े तू चंगे काम करता वो देखने वाला इधर बैठा जेड़े तू बुरे काम करता वो गण वाला इतने बैठा। तो जदों असी इतों दुनिया तो जाना ना तैं भी जाना मैं तो चले जाना मेरे तो थोड़ा ही साल है तो वह जाके उन्होंने वो धर्मराज के मूहरे रखते ने जे इधरले कर्म ज़्यादा बुरे आनू तेन ले जाना जमराज को जेडे इधरले कर्म अगर ज्यादा अच्छे तेन ले जाना धर्मराज को। अच्छा बापू ये बापू ने कहा जेले पढ़िया जपजी साहब उन्हें सिद्धा लिखे गुरु नानक साहब ने फिर एक बात उन्होंने और कही वो होती थी ना पक्का पूरे आगे वाले फर्श बना होता था उस फर्श से कहते मुझे नीचे उतार मैं नीचे उतार लिया वो बैठ गए। उन्होंने एक घास होता है ना घास घास का एक तिनका तोड़ा इतना सा कहते ये क्या है बेटा। मैं कहा बापू एक घास का तिनका है तिड़ पंजाबी से तिड़ कहते कहते बच्चा तेन पता कि एक ही कर सकती है। बापू इन्हें की करना है तो कुछ भी नहीं कर सकती ये तो पैर थले रुड़ गई ये खत्म हो जानी सुक गई वो नहीं वो बच्चा सुन गल नेरी चली हवा आई वो उड़ी तू बैठा है तेरे अख च पै गई तू की करेगा। मैं क्या बापू मैं तो तड़फ जाऊंगा तो कहता जिंदगी चेन भी बुरा नहीं कह वाह बाबा मेरिया इस दिल को भी बुरा नहीं कहना ये भी उड़कर तेरी आंख में पड़ सकती है ते आदमी ने बुरा की कहना। कर्म सुन लो मैं कितना दस लिया तो बाबा फकीर दे दरबार जाए तो पहले अपने ख्याल को ठीक करो पहले अपनी खुराक को ठीक करो पहले अपने शरीर कर्म को ठीक करो तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। पहली बात। दूसरा मन से मैं कह दिया मन वचन मन ख्याल से हुआ और मन एक काम और करता है वो बहुत खतरनाक है बहुत खतरनाक वो सूक्ष्म कर्म करता है। सूक्ष्म कर्म क्या तुम घर में बैठे हो कुछ नहीं कर रहे वैसे सोचते पड़ोसी के बारे में किसी के बारे में कोई बुरा ख्याल किसी के बारे में कोई बुरा ख्याल किसी की कोई ख्याल सोच रहे हो करते हो ना बुराई ओदा एक ही हो गया ओदे लड़के नु नौकरी किता मिल गई मेरे लड़के नु क्यों नहीं मिली ओदी कुड़ी नु चंगा मुंडा मिल गया मेरे नु क्यों नहीं मिलया। वाह भगवान तू तो बड़ा न्याय करता करता ना बंदा मन दे जो विचार तुम घटिया अपने मन में उठाते हो नेगेटिव थिंकिंग लेते हो किसी की बुराई अंदर अपने सोचते हो तुम बुराई का बीज बो रहे हो। ध्यान से सुनना एक बीज है जो हम जमीन में बोते हैं जो बीज जमीन में बोओगे वो ही कई गुना आपको मिलेगा। एक कनक का दाना जमीन में बो दो उसको छिट्टे कितने लगते हैं और लगते हैं ना एक गन्ना बो दो
एक टुकड़ा कई घंटे लग जाते हैं, एक मिर्च लगा दो उसके कई मिर्च लग जाएंगे, लगते हैं ना। एक बीज है स्थूल रूप, स्थूल जो नजर आता है, और दूसरा बीज है मन का, वो विचार है। ये जो ब्रह्मांड है ऊपर वाला सारा, ये भी खेत है, खेत बहुत खेत खेत है। हमारा हर विचार वहाँ जा रहा है, हमारा हर ख्याल वहाँ जा रहा है, और वहाँ से जो भी तुमने ख्याल किए हैं वैसे ही ख्याल और इकट्ठे होकर तुम्हारे पास वापस आएंगे। तो कहाँ जाते हो, बच नहीं सकते। इसलिए मेरे दाता कह गए शिव संकल्प मस्तु, हमेशा अच्छे विचार रखो, कल्याणकारी विचार रखो, नानक तेरे पाने सर्वत का भला। सनातन धर्म क्या कहते हैं, सर्वे विभंतु सुखना सर्वे संतु निरामया। लेकिन कितने देखो तो है सर्वे संतु निरामया, एक दूसरे का गला काटने के, और देखो देश की हाल, देश का हाल देखो क्या हो रहा है। अज्ञानता, अज्ञानता काल ने हमें पकड़ा हुआ है। तो ख्याल से भी कर्म तुम करते हो, शरीर से भी तुम कर्म करते हो, तुम अपनी ज्ञान इंद्रियों से भी कर्म करते हो, जबान से किसी की बुराई करना, आंखों से किसी की बुराई देखना, कानों से किसी की चुगली निंदा सुनना, और आंख से जबान से किसी की बुराई चुगली निंदा करना, ये क्या है, ये कर्म ही तो है। और क्या, जिसकी तुम बुराई करोगे उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें उसको खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम उसको गालियां दो, बुरा कहो, जो मर्जी करो, उसका आधा हिस्सा तुम्हारे हिस्से में आ जाना है। वो जड़ी थोड़ी साफ रहना डायरी, वो पास जानी तो बनेगी। तो क्या कहा मैंने, तुम्हारा शरीर पूर्ण ब्रह्मांड है, पूर्ण ब्रह्मांड है। इस पर मैं कल बोलूंगा इसमें क्या क्या है, आज इतना ही कह रहा हूं। आज तो जो सतगुरु कर रहा है खेल, वो सतगुरु तुम्हारे कर्मों को अपने विचार से खत्म कर देता है। कैसे, वो तुम्हें इस मन की सीमाओं से पार ले जाता है, क्योंकि कर्म सारे कहां किए, मन में। तो जब मन से तुम आगे चले गए, प्रकाश में चले, वहां तो कर्म है ही नहीं। तो ब्रह्म अग्नि क्या है, प्रकाश, ब्रह्म अग्नि में जला दिए। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब तो कानून भी कैसे कैसे हो गए, पंजाब में कोई आदमी बहुत बड़ा अपराध करके किसी दूसरे देश में चले जाए तो हिंदुस्तान का कानून उसको असर नहीं कर सकता, करता, यहाँ से लाखों लोग करोड़ों लोग लेकर चले गए बाहर, भारत की सरकार ला के कानून बना के वो नहीं आए, उत्थे कोठियाँ बना ली उन्होंने, उत्थे ऐश कर रहे, साडा पैसा सारा ही लै गए, युवा उनका कुछ नहीं होगा क्योंकि देश ही छप गए। ऐसे गुरु कहता है, गुरु कहता है तू मन का देश छोड़ दे, भारत नहीं छोड़ना, अपने मन का देश छोड़ ऊपर चल जाए। ठीक है, मेरी बात समझ गए, तो मन वचन कर्म से कैसे शुद्ध रहना है वो मैंने आपको बता दिया। और अगर गुरु मिल गया तो गुरु फिर क्या करता है, उस बच्चे के सिर पर हाथ रख देता है, उसका बाजू पकड़कर ब्रह्मांड से परे ले जाता है, चल यहाँ से। आप मेरी बात को समझे, मेरी बात को पकड़ो, आगे बढ़ो। काला से हंसा किया, काला से हंसा किया, जाति वर्ण कुल धोए, दया दृष्टि से सहज सब पात के डारे तो। अब क्या कहते कभी सब, क्या किया गुरु ने, काका दृष्टि मेरी खत्म कर दी, हंस दृष्टि बना दी। काग कौवा होता है ना, उसकी नजर बहुत बुरी होती है, बोलना भी बुरा, खाना भी बुरा, जब ले आता है झपट मार के ले आता है। और हंस क्या करता है,
हंस केवल दूध पीता है, पानी अलग कर देता है। क्या दिया गुरु ने? विवेक दिया। सत्य क्या है, झूठ क्या है, असलियत क्या है, हकीकत क्या है, ये गुरु बताता है आपको। इस पर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको कल बताता जाऊंगा। आपके पास चार दिन की मेरी सेवा है, पूरी सेवा करूंगा। आप ले जाओ, इसको खाओ, पचाओ, जीवन बदलेगा। दावे से कहता हूं कि तुम्हारा जीवन बदलेगा। जब दृष्टि बदलती, दाता ने अपनी दृष्टि डाली, मेरा खून बदल गया, मेरा शरीर बदल गया, मेरा विचार बदल गया। और फिर वहां जात पात कहाँ रही? और दूसरी हैरान होना। 26 साल में सतगुरु के चल सत रहा, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि बच्चा तू कहाँ से आता है, तेरे माता पिता क्या करते हैं। क्या कहा मैंने? नहीं पूछा। और मैंने भी उनसे कुछ नहीं मांगा। जैसे तुम लोग कहते हैं ये कर दो बाबा जी, ना बच्चों के पेन ले आते बाबा जी, कर लो बच्चे के पेपर आना। मैं एमए भी पास की थी, एमफिल भी पास किया, मैंने उन्होंने कभी दसिया नहीं कि बाबा जी कल मेरा पेपर है। वो मैंने पता लग गया तो मेरे नाल है गए, तो मैं कहा कि ना कुछ नहीं मांगा। बिन मांगे सतगुरु देते हैं, मेरे सतगुरु परम दयाल। मेरे पास वो दिया जो शायद मैं डिजर्व नहीं करता। ये वो लड़का आपके सामने बोल रहा है जिसके पास कॉलेज जाने के लिए साइकिल नहीं था। और मैं अंदर रो रहा था, मैं अपने पिता को कह, मैंने कॉलेज जाना पापा जी, बापू भैया जी, भैया कहते पंजाबी, कहते बच्चा मैं तेरे साइकिल कितों लैके दिया। बात समझ गए? तो फिर क्या हुआ, मेरे वो टीचर जो मुझे चौथी क्लास में तक पढ़ाते थे, वो आ गए, सरदार प्यारा सिंह जी। वो पूछने आए मेरे पिताजी हूँ, आज 10वीं का रिजल्ट निकलिया की बनिया? मैंने वो प्यार करते थे क्योंकि जब से तक उन्होंने कोई मैं पढ़िया, कहते मास्टर जी 10वीं पास कर ली, ये हूँ किया, कहते मास्टर क्या होता हूँ अंदर रोंदा, कहना मैं कॉलेज पढ़ना हूँ मास्टर, तुम दसो तो मैं कला कमाने वाला, इन्होंने मैं साइकिल कितों लेके दूंगा, किताबा कितों लेके दूंगा। तो मास्टर जी कहने बाहर बढ़ाओ, कुदरत का खेल, बाहर बढ़ाओ। मैं आया, उन्होंने बच्चा ठीक किया, तुम क्यों रोना? मैंने मास्टर जी भी कॉलेज पढ़ना, मेरे को साइकिल चल मेरे नाम। मास्टर प्यारा सिंह ने मुझे साइकिल दे दिया और उसी साइकिल से मैंने एमए पास किया। किसने भेजा? मास्टर प्यारा सिंह को, उस गुरु ने जिसको मैं 6 साल से ढूंढ रहा था। मेरी जिंदगी को पढ़ना है तो यहाँ से किताब ले जाना, मैं कहूँगा सच्ची साहब से मेरी किताब का कोई पैसा नहीं लेना, फ्री दे दो, पढ़ो, देखो गुरु का खेल क्या है। गुरु तुम्हारे पातिक क्या है? पातिक होते कपड़े, एक बाहर के कपड़े हैं, एक अंदर के कपड़े हैं, वो धो देता है। क्या कहा मैंने? आओ अंदर को धुला दो, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चुनरी दला। ये दादा दयाल का शब्द है, दादा दयाल कहते हैं। कहाँ धुलते हैं? सत्संग में धुलते हैं। जब तुम इन विचारों को घर में जाकर चिंतन करोगे, विचार करोगे, क्या सुना, कैसे सुना, क्या मतलब इसका, संशय दूर करो। अगर नहीं होता तो बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ना संत हूँ, ना परम संत, मैं अपने सदगुरु बाबा फकीर की संगत का सेवक हूँ। वो मेरे दादा,
उनकी संगत में आप आए हैं, मैं आपका सेवक हूँ और 24 घंटे तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। मैं कभी थकता नहीं हूँ, कभी मैं नहीं थकता। 6:30 बजे से शुरू, अब देख लो टाइम क्या हुआ। सबसे मिलता हूँ, प्यार से मिलता हूँ। लिख लगाया है मेरे दाता ने, फैज का दर खुला है। फैज बिन रहमत दया, फैज का दर खुला है, बंद में हरगिज नहीं। पर मांगने शर्त एक है, मांगने कोई शायद आए, कोई जरूरतमंद आए उस चीज को मांगने के लिए। कौन सी? जो गुरु देता है। क्या कहा मैं? आगे बढ़ो। अज्ञानी पट कदने जात बन अभिमान, सतगुरु शब्द सुनाया पंत परिये। अज्ञानी जो लोग हैं वो पता नहीं किस किस ख्याल को दुनिया में घूम रहे हैं। जाति लिए, पाति लिए, धर्म लिया, कर्म लिया, पार्टी ली, पॉलिटिक्स लिया, उसमें फंसे हुए हैं ना। देखो तो सही, मेरे देश का हाल क्या है। कहीं आदमी नजर आता है? मुझे तो नजर नहीं आता। किसी को पूछो तुम कौन हो, वो बड़े गर्व से कहेगा मैं वो हूँ। कभी कोई नहीं कहता मैं इंसान हूँ। ओ बाबा कीर्ति ने झगड़ा तो उधर झंडा लगाया, कल आ जाएगा। बी मैन इंटायर होल एंड एवरीथिंग। ए इंसान, तू इंसान बन जा। इंसान क्या होना चाहिए? इंसानियत। इंसानियत, इंसानियत से क्या मिलेगी? रूहानियत। धर्म से नहीं। धर्म क्या है? एक परंपरा है, एक जीने का ढंग है। धर्म है ना, इस्लाम धर्म का अपना जीने का ढंग है, सनातन धर्म का अपना जीने का ढंग है, जैनियों का अपना जीने का ढंग है, बुद्धियों का अपना जीने का ढंग है, अंग्रेजों का अपना जीने का ढंग है, फारसियों का अपना, है ना। अलग अलग धर्म संसार में जीने का एक ढंग है। अध्यात्म, अध्यात्म अंदर की खोज, अंदर का ज्ञान इस दुनिया से बाहर जाने का है। क्या कहा मैं? आप जिस भी मर्जी धर्म को मानो, सभी धर्म बहुत उच्च कोटि के हैं। जिन महापुरुषों की बात के ऊपर धर्म चले हैं, उन महापुरुषों ने हमारे भले के लिए लिखा, हमारी वाणी हमारे लिए लिखी। मगर अगर हम फायदा नहीं उठाएंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो उसका क्या फायदा? ये कभी सब कहते हैं अज्ञानी भटकत फिरे, भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? कभी साहब एक शब्द है, बिछड़े जो प्याने से भटकते दर बदर फिरते। क्या कहा मैंने? बिछड़े जो प्याने से, प्यारा कौन है? तुम्हारे अंदर बैठा है। बिछड़े जो प्याने से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमर को इंतजारी क्या। क्या कहा कबीर साहब ने? तुम्हें इंतजारी किस बात की है? तुम कहते हो भगवान वहां बैठा है, तुमने तो समझा नहीं भगवान है क्या। भगवान का तो रूप ही कोई नहीं, उसका तो रंग ही कोई नहीं, तो हमने तो घड़कर बैठा दिया, उसको बना दिया। क्या क्या तुम क्या क्या बनाया हुआ है, बनाया ना। तो कबीर साहब ने फिर कहा, अनघड़िया देवा, अनघड़िया देवा, कौन करे तेरी सेवा। तुम तकने ऐसा घड़िया ही नहीं है। अनघड़िया देवा, कौन करे तेरी सेवा, घड़े देव कोई सब कोई पूजे। मूर्ति को घड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लाए मेवा। चलते हैं, उनको क्या मिलेगा? अनघड़िया देवा को पकड़ो, वो तुम्हारे अंदर है। तो मैं बता दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगा। बाबे फकीर के पास बैठा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी को अपने पीछे नहीं लगाता, तो मैं तुम्हारे पीछे लगा दूंगा, तुम पीछे लगने वाले बनो। क्या कहा मैंने? तो कबीर साहब ने
कबीर साहब की बात किसने पढ़ी मुझे नहीं पता, उन्होंने शब्द क्यों लिखा मुझे नहीं पता, ये वो जाने मैं जानता हूं मेरे बाप, मेरे बाप कहने के था मेरी बाप पढ़ी बाबा फकीर ने, और ऐसी पकड़ी है छोड़ेंगे नहीं, क्यों छोड़ेंगे, जहां वो है वही ले जाएंगे, कहां कहां टू अवेपोरेट इन द यूनिवर्स। जो मेरी किताब अमेरिका में छपी है उसका हेडिंग ये है, मैं कहां जाऊंगा इस सारे ब्रह्मांड में आ जाऊंगा, क्योंकि वो भी ब्रह्मांड में है, क्यों क्या वाणी में लिखा है बलहारी बलहारी किसके कुदरत बसिया, कि कुदरत में बैठा कुदरत में बैठा है बलहारी कुदरत बसिया तेरा अंत न जाए लिखिया, तू तो सारी कुदरत में है, तुम में है, जीव में है, जंतु में है, पशु में है, पक्षी में है, दल में है, थल में है, किसके किसमें वो नहीं है, किसमें वो नहीं है। और फिर गुरु नानक साहब ने यह कहा सो क्यों सिमरे नानका, सो क्यों, गुरु नानक की वाणी जो आदि गुरु हुए हैं कबीर साहब के साथ, सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए, सोई सिमरो नानका जो जल थल रिहा समाए। आह क्या कहूं मैं तुम लोगों को, दिल को बड़ा करो, जागो अंदर से जागो, पकड़ो क्या कह रहा हूं मैं, वो तुम कल की बात आज नहीं कहूंगा, कल की बात कल कहूंगा, आगे बोलो। ममता माया तज गई विषया नहीं समाए, कहे कबीर सुनो पैसा दो हज तज वे हज जाए। अब क्या कह लिया उन्होंने, एक हद है किसकी, शरीर की, शरीर की हद है ना, अब कितनी इतनी जगह में बैठे हो इतनी हद है शरीर की, सोते हो तो कितनी जगह उतनी जगह होगी, उससे ज्यादा नहीं, मन की हद शरीर से ज्यादा है, मन वहां तक है उसकी हद जहां तक इसने कुछ देखा है, जो इसने देखा नहीं वहां ये जा नहीं सकता। कहता हमें करता है बताओ तो तुम, अगर तुमने दिल्ली नहीं देखी तो हम दिल्ली के बारे में बात नहीं करोगे, जिसने जलंधर नहीं देखा वो जलंधर की बात नहीं करेगा, ठीक है, जिसने उसको देखा वो किसकी बात करेगा, उसी की बात समझिए, वो मन चित्त बुद्ध से परे है, वो पांच कर्म इंद्रियों पांच ज्ञान इंद्रियों मन चित्त बुद्ध से परे है, तुम 14 कला संपूर्ण हो, तुम्हारे में पांच कर्म इंद्रियां हैं पांच ज्ञान इंद्रियां हैं मन है चित्त है बुद्ध है अहंकार है, अहंकार में तुम अपने आप को जो समझते हो वो तो तुम हो, लेकिन दो चीजें तुम्हारे में नहीं है, जब वो दो चीजें भी तुम्हारे में आ जाएंगी तो तुम 16 कला संपूर्ण हो जाओगे। कहते ना तुम कभी भगवान कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं, मैं तो मुझे तो पता नहीं होगे, क्योंकि मैं तो जो आंखें देखा वही मानता हूँ भाई, जब तक ना देखो अपनी आँखा आँखा तब तक ना देख मानो गुरु का बहना, जब तक ना मानो तब तक ना देखो अपने नैना तब तक ना मानो गुरु का बहना, वो गुरु तो कहना वो मेरी भी गल बच्चा नहीं माननी, पहले तो अपनी अखा ना देखा, ये है गुरु, उसको कहते हैं गुरु। तो जो वैसे ही डॉक्टर ले आए दवाई तो मैं ले आए ले आके रख दी खाई है नहीं, या खा ली तो डॉक्टर को गए नहीं दर्शन के मेरा आ हाल है ना। अब ऐसे ही मेरे नाम डालिए मेरे भाई मेरी बहन ने पता नहीं कहाँ कहाँ से नाम ले लिया, नाम नहीं हुई मुरली हुआ, गए ले आए पैसे भी नहीं लग रहे, लंच खड़े हो जाओ नाम मिल जाऊंगा, वो
होता हूँ वो स्मरण करते मुझे मिलते 27-28 साल 30-30 साल के नाम लिए हुए। महाराज जी मन बड़ा ही चंचल है, मन नहीं पता। मैं क्या नाम लिया हुआ है? जी महाराज मैंने 27 साल हो गए। मैं नहीं तो पूछता कि मैंने पता लग जाना कि हो गया नाम। मैंने कहा फिर तुम नाम क्यों लिया, क्यों लिया नाम भाई? बस जी साढ़े नाल सी बंदे उन्होंने सानू लाइन च खड़ा करता, सानू भी नाम ले गया। कई बच्चे कनेडा से टेलीफोन करते हैं, एक लड़का कनेडा से टेलीफोन किया, महाराज जी आपका सत्संग सुना, मैं यूट्यूब पर सुनता हूँ, महाराज जी मैनू गाइड करो। मैं क्या नाम कितों लिया सी? कहिंदा जी मैं छोटा सी था, मैं स्कूल में पढ़ता था, मम्मी डैडी नाल ना गया तो मम्मी डैडी ने महाराज तो मैंने भी नाम दवाता। ले करो गल, वो नाम क्या है, वो नाम क्या है? वो नाम नहीं, नाम रहे चौथे पद माही, जे ढूंढे तल्लुक की माही। तुम शरीर और मन और आत्मा में उसको ढूंढते हो, वो तो वहां है ही नहीं। तुम जो मर्जी नाम जपो वो है ही नहीं, तुम जो मर्जी माला फेरो वो है ही नहीं। हर भजू ना माला फेरू, मुख से कहूँ ना राम, मेरा राम मुझको भजे तब पाऊ विश्राम। वो है जो तुम्हें याद करता है और वो आवाज तुम्हारे अपने अंदर है। याद रखना कल के लिए, याद रखना इसी बात को जो मैं कही है। तो कबीर साहब कहते हैं हद से बेहद में चला गया, शरीर की हद भी छोड़ी, मन की हद भी छोड़ी और आत्मा की हद भी प्रकाश तक है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने फरमाया कि जितनी धरती है, जितनी ये जमीन है, इससे 3 गुना ज्यादा पानी है। जितना पानी है उससे 3 गुना ज्यादा अग्नि है इस ब्रह्मांड में। जितनी अग्नि है उससे 3 गुना ज्यादा हवा है इस ब्रह्मांड में, और जितनी हवा है उससे 3 गुना ज्यादा आकाश है। अब तुम खुद सोचो, इस धरती को बनाने वाला, इस पानी को बरसाने वाला, इस प्रकाश को देने वाला, इस वायु को देने वाला और इस शब्द को देने वाला कितना बड़ा होगा। बेअंत बेअंत बेअंत, जो वहां गया वो वही होकर रह गया। क्या कहा मैंने? तो इसलिए हम तुम गृहस्थी हो, मैं भी गृहस्थी हूं। ये नहीं है कि मैं कुछ, मैं गृहस्थी हूं। मैं संत मत का गुरु मत के मानने वाला हूं। जितने गुरु साहबान हुए हैं सभी गृहस्थी हुए हैं, जितने संत हुए हैं सभी गृहस्थी हुए हैं। जोगियां जोगियां कुछ नहीं मिला, योगी ज्ञानी तपस्वी सब ही धोखा खाया, सबने धोखा खाया। बस बाहर का ही शक्ल दिखाते, लोगों डराते हैं, डबरू बजाते, कुछ नहीं उनके जो कुछ है। और सुनो, चार आश्रम है, चार आश्रम बनाए गए हैं। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम और एक संन्यास। और वो जो हमारा हमारा जो ये जो गृहस्थ आश्रम है ये सबसे बड़ा है। तुम लोग गृहस्थी हो, तुम लोग हो क्या बनाने वाले? क्या तुम बनाते हो? तेरे तुम्हारे पैसे के ऊपर दुनिया पड़ रही है, तुम्हारे पैसे के ऊपर सब काम हो रहे हैं, तुम्हारे दर पर ही आप भीख मांगने आते हैं। तुम बड़े हो कि जो मांगते हैं वो बड़े हैं? बाबा जी महाराज क्या करते थे? और राजकुमार बनो, शहनशाह के बच्चे बनो, तुम शेर के बच्चे हो, क्यों भिखारी बने हुए हो? जहाँ भी जाते हो हाथ खड़े करके ऐसे बैठ जाते, महाराज ये है ये है। और नामदेव जी ने बड़ी प्यारी, मैंने शब्द नहीं उनको लगे,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਬਾਗਲੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਸਾਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸਕੋ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਕਹੀਂ ਸਾਂਪ ਕੀ ਪੂਜਾ ਹੋਤੀ, ਯਹਾਂ ਅਭੀ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਗੁੱਗਾ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਸਾਂਪ ਕੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਬ ਕਭੀ ਸਾਂਪ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੋ ਲੱਠ ਲੈ ਕਰ ਉਸਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਮਾਰਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਂ ਕੀ ਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਾਨਣਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੱਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਕੂਗਾ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਤਾ, ਦੋ ਮਾਂ ਆ ਸਿਰਫ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ? ਬਸ ਔਰਤ ਬਹਿਨ ਮੇਰੀ, ਔਰਤ ਬਹਿਨ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸੀ ਮੇਂ ਤੀਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਜਬ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਮੇਂ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਬੱਚੀਆਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਂ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਘਰ ਕੋ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਤੋ ਵਹਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਪਕੜੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਨਕਾ ਪਿਛੜੇ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਸੇ, ਭਟਕਤੇ ਦਰਬ ਦਰ ਪਿਟਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਦਰਬ ਦਰ ਪਿਟਤੇ ਪਿਟਤੇ, ਹਮਨ ਕਾ ਯਾਰ ਹੈ ਹਮੇ, ਹਮਨ ਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਕਿਆ। ਔਰ ਕਿਆ ਕਹੂੰ, ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਆ, 8 ਵੱਜ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ। ਮਾਲਕ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਦੇ, ਮਾਲਕ ਆਪਕੋ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੋ ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਮਾਲਕ ਆਪਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਮਾਲਕ ਆਪਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਦੁਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ ਪੂਰਾ ਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਤੁਮ ਸਭਕੋ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਭਕੋ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ।